This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioned at Syed Ali Chabutra near Shah Hotel. असलम नाजरीन आप सबका खैर मकदम है ए एटीन तेलंगाना न्यूज़ पर आइए देखते हैं आज वेनसडे में बारह तारीख का खास खबरनामा जैसे कि तेलंगाना रियासत में लॉकडाउन लगाया गया है बारह मई से यानी आज से ही लॉकडाउन का आगाज हो चुका है और सिर्फ सुबह छः बजे से सुबह दस बजे तक ही आवाम को है अपनी ज़रूरियात की चीज़ें खरीदारी करने और सुबह छः बजे से सुबह दस बजे के दरमियान आवाम नजर आई सड़कों पर ख़रीदारी करने हैदराबाद के तमाम किराने की दुकान और दीगर दुकानें सुबह छः से खुल गई आवाम के लिए छह बजे से दस बजे के दरमियान इन चार घंटों में आवाम का काफी हुजूम नजर आया तरकारी की दुकानात के सामने इस लॉकडाउन के ऐलान के बाद हैदराबाद में कुछ ऐसे नज़ारे देखने मिले जहां आवाम परेशान होकर अपने अपने गांव या अपने घर रवाना होने लगे हाईकोर्ट ने केसीआर सरकार पर फटकार लगाते हुए सवाल किया इस लॉकडाउन में उन अफराद का क्या होगा जो सफर कर रहे हैं तेलंगाना डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने कहा कि जो भी लॉकडाउन को तोड़ेंगे उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा तेलंगाना डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने यह भी कहा जो भी मीडिया पर्सन न्यूज कवरेज करने लॉकडाउन के दौरान बाहर आ रहे हैं वो अपना कार्ड या आई कार्ड साथ रखे और गवर्नमेंट एम्प्लॉय से भी कहा कि वो अपना आईडी कार्ड साथ रखे लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलते वक्त खसूसी पासिस जारी किए जाएंगे जो जरूरियात के सामान सप्लाई करते हैं दुकानों को और जो वैक्सीनेशन के लिए बाहर आ रहे हैं लॉकडाउन के दौरान उनके फर्स्ट वैक्सीनेशन रिपोर्ट्स चेक किए जाएंगे उसके बाद ही उन्हें इजाज़त होगी जाने के लिए जो कोई भी इस लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे या इस लॉकडाउन के रूल्स तोड़ेंगे उन पर दफा इक्यावन से दफा साठ दर्ज हो सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट दो के तहत यह दफा एक के तहत और साथ ही हजार रूपए का चालान भी लगाया जाएगा अगर कोई मास्क नहीं पहने हो तमाम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है इस लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए ओवीसी ने मुस्लिम आवाम से गुजारिश की है कि ईद की नमाज घर पर अदा करें और भीड़ भाड़ न रहे और हुकूमत की जानब से जारी किए गए अकदाम पर लाजमी फॉलो करे निपेट से आ रही है राहत वाली खबर निजाम पेट के एसएलजी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने तीन ब्लैक फंगस या मोको माइकोसिस वाले पेशेंट्स का मुकम्मल इलाज किए ब्लैक फंगस या आप इसे मूको माइकोसिस भी कह सकते हैं इस खौफनाक इन्फेक्शन से तीन कोविड नाइन्टीन मरीज रिकवर हुए हैं पेशेंट्स की उम्र 25 साल 42 साल 63 साल थी जो कोविड 19 और मूको माइकोसिस या ब्लैक फंगस से रिकवर हुए हैं जिन्हें ब्लैक फंगस हुआ उनकी शिकायत थी कि इनकी नज़र कमजोर हो रही है और इन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है डॉक्टर भार्गव हेड एंड नेक सर्जन एसएलजी हॉस्पिटल से कहा है कि जिन्हें ब्लैक फंगस हुआ है उन्हें खास दवाई दी गई ऑक्सीजन दिया गया ज्यादा मात्रा में नसल कैविटी में ब्लैक फंगस पाया गया लेकिन इन तीनों पेशेंट्स को बचा लिया गया हुकूमत ने ऑर्डर जारी किए कि कोविड 19 मरीजों को अलग से ऑक्सीजन फराहम ना करें सिर्फ हॉस्पिटल और मेडिकल्स को ही ऑक्सीजन फराम किया जा सकता है हुकूमत ने खास वार्निंग दी है कि ऑक्सीजन रिटेल अंदाज में ना बेचे मरीज को अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल होना होगा तभी ऑक्सीजन फरहम किया जाएगा लेकिन जी एच एम सी हदूद यानी हैदराबाद में ऑक्सीजन के साथ बेड्स की तंगी हो रही है उसके बावजूद ये ऐलान किया गया ड्रग इंस्पेक्टर ने तीन डिस्ट्रिक्ट्स और जी एच हदूद में ऐलान जारी किया गया कि ऑक्सीजन की सप्लाई डायरेक्टली पेशेंट्स को ना करें सिर्फ हॉस्पिटल को ऑक्सीजन की सप्लाई करने कहा गया लेकिन कई हॉस्पिटल वाले उल्टा चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से ही ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग यानी कालाबाजारी की जा रही थी उसे रोकने के लिए ये फैसला लेना अहम था मेडचल में सत्रह सप्लायर्स हैं जिनके पास होल से लाइसेंस से ऑक्सीजन फरहाम करने और ड्रग इंस्पेक्टर ने सख्ती के साथ उन्हें ऑर्डर दिए कि किसी को भी डायरेक्टली या इंडिविजुअली ऑक्सीजन ना दे सिर्फ हॉस्पिटल को ही दे कोविड नाइन्टीन पेशेंट्स जो ब्लैक फंगस या मूकोर माइकोसिस से मुतासर हो रहे हैं उस पर हुकूमत अलर्ट है मिनिस्टर के टी आर ने कहा की हुकूमत तमाम उन दवाओं का इंतजाम कर रही है जो ब्लैक फंगस का इलाज कर सकती है जो कोरोना मरीज कोरोना से नजात पा लिए थे उन्हें अब खतरा है ब्लैक फंगस यानी मूकोर माइकोसिस का तकरीबन कोविड 19 पेशेंट्स जो कोरोना से रिकवर हुए थे उन्हें ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो रहा है ये ब्लैक फंगस या माइकोसिस नेचुरली इन्वायरमेंट में मौजूद है ये खसूसी मट्टी सड़ा हुआ खाना या झाड़ों में पाया जाता है ब्लैक फंगस इंसान के मुंह से या नाक से दाखिल हो सकते हैं जो कोरोना रिकवर पेशेंट से उन्हें काफ़ी मुतासर कर सकते हैं अमेरिका के टॉप इन्फेक्शन डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर एंथोनी ने कहा कि इंडिया बहुत ही खौफनाक मुकाम पर है इंडिया की हुकूमत ने सोचा था कि कोरोना ख़त्म हो गया है लेकिन यही सोच आज लाखों की जान की वजह बन गई इंडिया अचानक कोरोना की दूसरी लहर में दाखिल कर गई और इसकी वजह हॉस्पिटल में और कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है ड्रग्स इंजेक्शन की कमी हो रही है वैक्सीन की कमी हो रही है बेड्स की कमी हो रही है ये कमी इसलिए हो रही है कि लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा चार लाख है सिर्फ एक दिन में तीन लाख छसठ हज़ार एक सौ इकसठ कोरोना केसेस दर्ज हुए मंडे के दिन और ट्यूसडे यानी कल तीन लाख उनतीस हज़ार नौ सौ बयालीस दर्ज हुए लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्ती से एक्शन ले रही है होशियार हो जाए अगर कोई लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर दफा इक्यावन से दफा साठ तक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत केसेस दर्ज किया जाएगा या दफा एक आईपीसी के तहत केस दर्ज किया जाएगा जो भी अफराध मास्क नहीं पहनेंगे उन पर हजार रूपए का चालान किया जाएगा आवाम से एटीन तेलंगाना न्यूज़ गुजारिश करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखें मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें और गैर जरूरी अपने घरों से बाहर ना निकले और कोरोना वबा से महफूज रहे हर अहम खबर से बाखबर रहने एटीन तेलंगाना न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें ब्यूरो रिपोर्ट एटीन तेलंगाना न्यूज़